हेलो, वरुण. मेरा नेम वरुण है. और फर्स्ट कि जब मैं यहाँ पे पहले मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था और मैं काफ़ी सर्च कर रहा था कि किस तरह से अपने प्रॉब्लम से. नोज में क्या जैसे आपको प्रॉब्लम थी नोज़ वरुण जी में सर, से? एक्चुअली मेरा नोज़ का ये था कि जैसे मेरे को ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी, और अच्छा उसके अच्छा बाद में मेरा जो बोन था वो पूरा बीच में आ चुका था. और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी मेजर्स प्रॉब्लम थी. एक लुक वाइज सबसे बड़ा मेन था कि लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था. तो फिर मैंने नेट पे काफ़ी सर्च किया सब जगह. एक बार देखने के बाद में फिर मुझे ये राइट प्लेस जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल मिला यहाँ पे. और मैं आकर के डॉक्टर सुनील तनवर जी से मैंने कंसल्ट किया और काफ़ी अच्छे से मुझे लगा. और मैंने और भी पेशेंट्स का देखा पहले, तो सबका एक अच्छा सेटिस्फाई मुझे मिला कि बट सबको वरुण जी, जब अच्छा डॉक्टर लगा. साहब ने आपको बताया कि यार इसमें जो है सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि यार ये सर्जरी करानी है नहीं करानी? सर थोड़ा बहुत डर लगता है, बट लेकिन जब कंसल्ट अच्छे से हो जाता है और फिर जब सही पर्सन से कंसल्ट होता है तो फिर वो डर ख़त्म हो जाता है. और फिर जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के में कोई पेन नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई. ऑपरेशन के 3 दिन बाद मुझे यहाँ से छुट्टी मिल गई. और उसके बाद मैं अब सामने अच्छे से हूँ, बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और लुक वाइज सब अच्छा हो गया है. नाउ यू आर हैप्पी विथ योर नोज? बिल्कुल सर, बहुत हैप्पी हूँ अपने नोज़ के साथ में. और सबसे मेन ये होता है कि नोज़ जब ऐसा होता है तो दो चीज़ों की प्रॉब्लम होती है. पहला तो ये कि आपका जो है, आप एक तरीके से बीमारी से आप घिरते हैं. दूसरा क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, वो सब एक अच्छा, वापस आ जाता है वो चीज़ें. और नोज़ तो परफेक्ट है बिल्कुल, अब सांस लेने में एंड दिक्कत नहीं वन है. मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत सारे अपने इंडिया में है ना नोज़ की प्रॉब्लम है लोगों को स्टिल अभी जी रूरल एरिया में. या तो बहुत बार क्या है कि पेशेंट को भी पता नहीं होती, या कई बार उनके घर वाले रेडी नहीं होते. व्हाट योर इम्पोर्टेंट, आपका क्या एक मैसेज है उन लोगों को जिनको नोज में प्रॉब्लम है जो इलाज नहीं कराते? सर, दो तरह से होते हैं. कुछ लोगों को ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा इलाज है, इस वजह से वो नहीं कराते हैं. दूसरा, कुछ लोग डरते हैं कि पता नहीं दर्द होगा या बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर कोई कंसल्ट करता है तो उसको सबसे पहले तो ये मालूम पड़ेगा कि किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा, बहुत अच्छे से और इजीली सब कुछ हो जाएगा और फास्ट होगा. ऐसा भी नहीं आपको 2-3 महीने एकदम बेड पे रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. 3 दिन में आप आराम से हेल्दी होकर अपने आराम से घर जा सकते हैं, सब अच्छे से हो जाता है. उसके बाद में दूसरा, इसका खर्चा भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, अपने जिस तरह से और जगह होता है तो वो अच्छा, मतलब नॉर्मल आप बजट में एक अच्छे से करा सकते हैं. इसके लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सेफ़ है. और कोई भी आपके साथ अगर पहले के भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ रहते हैं साथ में, तो उसके साथ में भी आप ये अपने अच्छे से करा सकते हैं, हर चीज़ को कंसल्ट करके. थैंक यू भाई. थैंक यू सर, थैंक यू ओके. सो मच.